नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज जनता दरबार लगाया है और बड़ी दूर दूर से लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। वहीं सीएम योगी ने फरियादियों की समस्या सुनी और अधिकारियों को समस्या को निस्तारित करने के निर्देश दिया है। बता दें कि इसके पहले सीएम योगी गुरुवार शाम रामगढ़ ताल सर्किट हाउस रोड पहुंचे। सीएम ने आर्यवर्त पेट सिटी पर MRR सेंटर का उद्घाटन किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पे दौरे पर है, वहीं वो जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने जनता दरबार लगाया था, लेकिन कोरोना के चलते ये कुछ दिनों बाद ही बंद हो गया था। उसके बाद योगी सरकार 2.0 बनने के बाद से ही लगातार जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लगवाया जा रहा है और जो भी अफसर है, जो भी अधिकारी हैं जुड़े, उनको सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि लोगों की समस्याओं को सुने और उसका निस्तारण किया जाए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री का आज का पूरा कार्यक्रम क्या है? भ्रमण करते हैं और पहुंचते हैं अपने गुरु गोरखनाथ के पास, दरबार में हाजिर कराते हैं और उसके बाद से ही अपने गुरु श्री अवैधनाथ जी के दरबार पर जाते हैं। उनकी समाधि के ब्राह्मण अवैधनाथ की समाधि को पुष्प अर्पित करते हैं। उसके बाद गौशाला जाते हैं, कुछ समय वहां बिताने के बाद गायों को जो है गुड़ चना खिलाते हैं और उसके बाद से गोलू को दुलाते हैं, फिर जनता दरबार का कार्यक्रम लगाते हैं, दर्शन जनता दर्शन किया जाता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पास सैकड़ों की तादाद में पहुंचते हैं लोग और उसको समस्याएं बताते हैं, उनको निस्तारण करने के सीधे अधिकारियों को आदेश और निर्देश दिया जाता है और इसके साथ ही उनको बताया भी जाता है कि आपकी समस्या का जल्दी ही निस्तारण किया जाएगा। हिमांशु, जिस तरह से लगातार लोग बंदर में पहुंच रहे हैं, जनता दरबार में पहुंच रहे हैं, लोग उसमें जाकर के अपनी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो समक्ष रख रहे हैं मुख्यमंत्री के या फिर जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके, ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है इस सीएम के जनता दरबार के बारे में और कितने लोग हैं जिनके समस्याओं का निस्तारण भी हो पाया है? और गोरखपुर से ही नहीं, पूर्वांचल और यूपी के अनेक जिलों से लोग पहुंचे हुए थे और आत्मनिर्भर की एक आस्था लगी हुई कि योगी सीएम है और जनता दर्शन का कार्यक्रम रखते हैं। ऐसे में निर्देशित किया जाता है अधिकारियों को और मंडल आयुक्त से लेकर के आप बता दें कि एडीजी तक वहां पे मौजूद रहते हैं और उनके जरिए जो है जिन भी जिलों के प्रयागी आते हैं उनके प्रयाग को सुनने के बाद उनको निर्देशित किया जाता है और वो खुद वहाँ के सक्षम अधिकारी से बात करके उनको बताते हैं कि इसका तुरंत जो है चाहे वो नियम हो या सस्ती हो, जिस स्तर का भी कोई कार्यक्रम कार्य होता है उसको निर्देशित किया जाता है कि माननीय योगी जी का ये आदेश है, इस पर कार्रवाई की जाए और उसकी जाँच की जाए। जी, वही अगर बात किया जाए दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, कौन कौन से जिले के लोग ज्यादातर शामिल हैं जो गोरखपुर पहुंच रहे हैं, क्योंकि हिमांशु लखनऊ में भी मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लगाया जाता है, वहां पर भी काफी दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में गोरखपुर से कौन कौन जगहों से लोग पहुंच रहे हैं और उनकी समस्या का निस्तारण किस तरह से किया जा रहा है? गोरखपुर जनता दरबार में आप बता दें कि गोरखपुर के आसपास के पूर्वांचल के जिले, चाहे वो आजमगढ़ हो गया हो, चाहे वो बनारस हो, बलिया हो, देवरिया हो, हैदराबाद हो, बस्ती हो, इसके अलावा आप बता दें कि गाजियाबाद तक से लोग आते हैं, मेरठ से आते हैं और जनता दरबार में योगी आदित्यनाथ के समक्ष जो है प्रस्तुत होते हैं और उनको अपनी समस्याओं का बताते हैं कि हमारी ये फरियाद है, ये समस्या है, इनमें सुनवाई नहीं हो रही। हिमांशु, आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा? मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरे पे है वो और आज उनका क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा आज का दिन का? आज तो दौरे पे थे, जनता दर्शन का कार्यक्रम था, दो दिवसीय दौरा था और 8-10 बजे के आसपास उनको निकल जाना था। हालांकि किसी कार्यक्रम को सुबह तक जनता दरबार में बैठे होने की वजह से निकल नहीं पाए थे, लेकिन 11:30-11 बजे का समय होगा कि वो यहाँ से निकल जाएंगे, लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। साथ ही साथ सीएम द्वारा सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी जरूरतमंद है, जो भी फरियादी हैं, जो भी जनता दरबार में आते हैं, जिनकी कोई भी समस्या है उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही साथ कई अहम योजनाओं का सौगात भी मुख्यमंत्री ने जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है। साथ ही साथ कई महत्वाकांक्षी योजनाएं गोरखपुर के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। डेवलपमेंट की बात किया जाए,
स्वास्थ्य की बात किया जाए, सुरक्षा की बात किया जाए, सभी को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी जो कार्य है जनता के लिए जल्द से जल्द किए जाए। खबर फिरोजाबाद से है, जहां विकास खंड नारकी के उच्च प्राथमिक विद्यालय जौधरी में बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक सतेंद्र पाल ने महिला प्रशिक्षु के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत पर कार्यवाही करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल ने आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। बट इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ करके सामने आता है कि स्कूल जहां पर बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं, जहां पर बच्चे इक्वालिटी सीखने जाते हैं, जहां पर बच्चे अपने अध्यापक अपने गुरु को ही भगवान के समान देखते हैं कि उनके गुरु ही उनका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, जो वो उनको सिखाएंगे उसी को सीखकर अपनी जिंदगी को वो आगे बढ़ाएंगे। कहा जाता है कि जो बेसिक शिक्षा होती है 12th क्लास तक की, वो बहुत कुछ आपको सिखाती है, आपके आचरण आपके संस्कार में भी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन जब स्कूल के टीचर इस तरह की कृत्य करने पर आ जाए और स्कूल की महिला अध्यापिका के साथ ही छेड़छाड़ करने लगे, तो ऐसे अध्यापक बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, बच्चों को वो क्या सिखाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है, निशान तो ये खड़ा होता है। फिलहाल बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे, कहीं पर मिड डे मील की बातें, तो कहीं पर जो बच्चों को जूते जाते हैं वो धूल में पड़े हुए, कहीं पर बच्चा शौचालय साफ करती हुई नजर आई थी, लेकिन इन सबके बीच बेहद शर्मनाक है ये, क्योंकि माँ बाप बच्चों को अध्यापक के भरोसे विद्यालय भेजते हैं, 6 घंटे से 8 घंटे तक बच्चे अपना विद्यालय में बिताते हैं और यह उम्मीद में बिताते हैं कि बाकी उनका जो फ्यूचर होगा, उनकी जो जिंदगी होगी, अपनी इस बेसिक पढ़ाई के बदले वो आगे बेहतर कर पाएंगे, अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर सीखेंगे वो अपने अध्यापक से, लेकिन अध्यापक इस तरह की कृत्य कर रहे हैं, अपनी ही जो सहयोगी अध्यापिका है उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। फिलहाल अभी पहले हम आपको एक बाइट सुनवाते हैं। उनके द्वारा प्रधानाध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, इस संबंध में तत्काल ही तहरीर प्राप्त करके संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, प्रयास जारी है हमारा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। विद्यालय जौधरी सेकंड विकासखंड नारकी में एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें डीएलएड की एक प्रशिक्षु है नर्मदा, उनके द्वारा जो है वो वहाँ के प्रधानाध्यापक पर अपने साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया है और संबंधित थाने में तहरीर भी दी गई है। इस संबंध में मेरी सीओ सर से बात हुई है, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि FIR दर्ज हो गई है, उसमें अब संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ जो है संजीव इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरह का यह कृत्य अध्यापक द्वारा अपनी ही महिला सहयोगी अध्यापिका के साथ किया गया, इस पे कार्रवाई किस तरह से की जा रही है? देखिए, इस पे कार्रवाई हो गई है, इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके टीम गठित करके अपराधी की जो प्रधानाध्यापक है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस लगातार सक्रिय है, वो गिरफ्तार करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। जी संजीव, माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को बड़ी उम्मीद के साथ और शिक्षक के भरोसे स्कूल भेजते हैं कि उनका बच्चा विद्यालय जाएगा, अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी ग्रहण करेगा। जिस तरह की कृत्य ये की गई है अध्यापक द्वारा अपनी सहयोगी महिला के साथ, उसमें जो बच्चों के पेरेंट्स है उनका क्या कोई व्यू सामने आया है, उनका क्या कुछ कहना है इस पे? नहीं देखिए, इसमें किसी पेरेंट्स का कोई व्यू सामने नहीं आया है, लेकिन ये जो महिला है ये DLED की प्रशिक्षु थी, आगे चल के ये शिक्षक होने वाली थी, लेकिन इस तरीके का ये जो सहयोगी लोग हैं, ये जो प्रधानाध्यापक हैं, ये सत्येंद्र कुमार सिंह कंपोजिट विद्यालय जौधरी का ये मामला है नारकी ब्लॉक का, और इन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके बाद वो घर गई, घर जाके उसने अपने घर वालों को सब बताया और उसके बाद ये सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।